हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम मुहिउद्दीन और आप देख रहे हैं SGM टॉक 10। हाजिर हो चुका हूं मैं अपनी नई YouTube वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के टॉप 10 ऐसे ड्रामे जो आपको लाजमी देखने चाहिए। तो चलते हैं नई YouTube वीडियो की जानेब। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए बॉलीवुड के टॉप 10 दिलचस्प मूवीज़ रिकमेंड की थी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आज एक बार फिर मैं अपनी इस वीडियो में पाकिस्तान के कुछ ऐसे ख़ास ड्रामास के बारे में बात करूँगा जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई ममालिक में देखे और पसंद किए गए, क्योंकि ये ड्रामास एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसमें शामिल मुश्किलात के हवाले से हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको उन टॉप 10 ड्रामास के बारे में पता लग सके। रांझा रांझा करती इकरा अजीज़ और इमरान अशरफ की यह ड्रामा सीरीज़, जो कि मोमिना ने प्रोड्यूस की है, 3 नवंबर 2018 में आम टीवी पर रिलीज़ हुई। इस सीरीज़ में नूरी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और उसके ख्वाब ऊंचे होते हैं और उन्हीं को हासिल करने के चक्कर में वो मुख्तलिफ मराइल से गुजरती है और उसे भोला यानी इमरान अशरफ मिलता है जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। और इस ड्रामे में भोले की अदाकारी के कई क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए हैं, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा और पसंद किया गया। तो हमारी लिस्ट में रांझा रांझा करती 10वें नंबर पर है। उर्वा हुकैन, फरहान सईद और हिना अल्ताफ इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर हैं। ये ड्रामा सीरीज 10 अप्रैल 2016 में हम टीवी पर नशर किया गया। ये ड्रामा फरहात इश्तियाक ने तहरीर किया, जो कि मोमिना दुरेद ने प्रोड्यूस किया। उडारी में हमारी सोसाइटी के एक बहुत अहम और खौफनाक पहलू की मंजरकशी की गई है, जिसमें जेबू 9 साल की उम्र से अपने सुतेले बाप की हवस का शिकार बनती है। बच्चों को हरासा करने पर मबनी कहानी यकीनन हमारे माशरे में बहुत सी तनकीदों का बाइस बनती है, मगर इस ड्रामे में कुछ हट कर सीन्स दिखाए हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सनम बलोच और अली रहमान खान की ये ड्रामा सीरीज़ खास 17 अप्रैल 2019 को हम टीवी पर नशर की गई। इस सीरीज़ में सबा सनम बलोच एक बहुत एम्बिशियस लड़की है जिसको शादी एक अमीर और हैंडसम लड़के से करवाई जाती है। अमर एक बहुत खुदपरस्त इंसान है जो शादी के बाद हर तरह से सबा से बहुत बुरा बर्ताव रखता है और कई मकामात पर उससे जालिज भी होता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। इस सीरीज़ में इस्लाम के हवाले से जो औरत को रुतबा दिया गया है उसकी भी आगाही मिलती है। तो ये ड्रामा ज़रूर देखिए क्योंकि ये ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। एक थी मरियम, उमैरा आमिर की तहरीर है जो सरमत खुसट ने प्रोड्यूस की है। ये कहानी मरियम मुख्तार की असल ज़िंदगी में बेस करती है, जिसका रोल सनम बलोच ने बाखूबी निभाया है। बचपन से ही पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट बनने की ख्वाहिशमंद होती हैं। उनका जज्बा और पेट्रियटिज्म इस कदर गहरा होता है कि अपनी फैमिली की वजह से इंजीनियरिंग रख तो लेती हैं, मगर एयरफोर्स में फिर भी जाने की तमन्ना रहती है। आखिरकार उनके घर वाले उनकी बात मान लेते हैं और फिर कैडेट में आने वाली मुश्किलात से मरियम किस तरह सीखती और आगे बढ़ती हैं ये जानने के लिए ड्रामा सीरियल एक थी मरियम ज़रूर देखिए। ड्रामा सीरियल ऐसी है तन्हाई की स्टोरी आजकल के ज़माने में लड़के और लड़कियों से होने वाली गलतियों पर मबनी है। इन मसाइल पे बात करना और इन्हें सामने लाना बेहद ज़रूरी हो गया था। पाकिज़ा और हमज़ा की ये लव स्टोरी उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ से शुरू होती है, जब हमज़ा सिर्फ पाकिज़ा की मोहब्बत का इम्तहान लेने के लिए उससे कुछ नाजेबा तस्वीरें मंगवाता है, जो पाकिज़ा अपने फ़ोन में उसे दिखाने के लिए जब यूनिवर्सिटी लाती है तो यूनिवर्सिटी से उसका फ़ोन छिन जाता है। उसके बाद वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती हैं, जो कि पाकिज़ा की बर्बादी का सबब बनती हैं। उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा।
जिंदगी गुलजार है पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश में भी काफ़ी देखा और पसंद किया गया। कशफ मिर्ज़ा यानी सनम सईद, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, अपनी काबिलियत की वजह से एक नामवर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेती हैं, जहां जारून फवाद खान से मिलती हैं जिसे पूरी यूनिवर्सिटी चाहती है, मगर कशफ उसे नज़रअंदाज कर देती है। बस यही चीज़ जारून को सबसे मुख्तलिफ रखती है और वो कशफ को चाहने लगता है। और इनका रिश्ता किस तरीके से आगे बढ़ता है, बढ़ पाता है या भी नहीं, ये देखने के लिए आप ज़िंदगी गुलजार है देखिए, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल वन ऑफ द मास्टर ड्रामा है। नीलम मुनीर, यासिन नवाज और हीरा मानी की ये ड्रामा सीरीज ARY पर नशर की गई, जिसको हुमायूं सईद ने प्रोड्यूस किया। उल्फत यानी नीलम मुनीर, जिसे अपनी खूबसूरती का बहुत गुरूर होता है, वो किसी दूसरे को अपने आगे तरजीह देना बिल्कुल पसंद नहीं करती। फादर की आखिरी ख्वाहिश पर जब उसकी शादी करवाई जाती है तो वो अपने हस्बैंड से किसी सूरत खुश नहीं होती। अफजल यानी यासिन नवाज अपनी पूरी कोशिश करता है मगर फिर भी नाकाम रहता है। क्या वो उल्फत को अपने मोहब्बत में गिरफ्तार कर पाएगा, जानने के लिए मेगा हिट सीरीज लाजमी लाजमी देखिए। सबा कंवर, बिलाल अब्बास और रुशना शाह की ये ड्रामा सीरीज चीख 5 जनवरी 2019 को ARY डिजिटल पर नशर की गई, जिसके प्रोड्यूसर फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली कासमी हैं। इस कहानी में मन्या तीनी सबा कमर अपने दोस्त के हरासा करके कत्ल किए जाने पर अपने देवर के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है, मगर वो हार नहीं मानती। इस कहानी में बहुत सस्पेंस है जिसे देख कर व्यूवर्स हैरान रह जाते हैं। आप भी इसे अपनी विश लिस्ट में शामिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ड्रामा सीरीज आखिरी स्टेशन सनम सईद का एक और मास्टर पीस है। सनम सईद दिमागी अनस्टेबिलिटी का शिकार हो जाती है जब वो अपनी माँ को सुसाइड करते हुए देखती हैं। उनकी शादी भी हो जाती है लेकिन फिर भी वो सालत को भूल नहीं पाती। आखिरकार वो ट्रेन में सफ़र करते हुए कुछ औरतों से मिलती हैं, वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी कहानियाँ उन्हें सुनाती हैं। ये वो कहानियाँ होती हैं जो कि मुख्तलिफ हालात पर पेश करती हैं, जिसकी वजह से सनम सईद को काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप इस ड्रामे को लाजमी देखें क्योंकि ये ड्रामा आपको बहुत हद तक मोटिवेट कर देगा। ये ड्रामा वन ऑफ दी मास्टरपीस में से गिना जाता है। ड्रामा सीरियल दास्तान हमारी लिस्ट में नंबर वन पोजीशन पे है। इसके स्टार कास्ट में शामिल हैं सनम बलोच, सबा कमर और फवाद खान। ये ड्रामा 1947 से 1956 के दरमियान होने वाले तमाम वाकयात पर मबनी है। इस ड्रामे में हसन और बानो की पाकिस्तान के लिए चाहत, जबकि उसके कज़न सलीम की कुछ डिफरेंट सोच होती है। इस कहानी में पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ साथ उस वक्त के लोगों की कुर्बानियों को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लिहाजा एक सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये ड्रामा लाजमी लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है SGM Talk 10। नई वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।